तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बाइटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको एक न्यू सिस्टम लॉन्चर मोड बताने वाला हूँ। ये भी बताऊँगा कि आप इसको किस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए यहाँ पे रूट की ज़रूरत पड़ने वाली है, और रूट पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है कि आप किसी भी Xiaomi के डिवाइस को यहाँ पर किस तरीके से रूट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उस वाले मॉडेड सिस्टम लॉन्चर का यहाँ पे फुल रिव्यू कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं और आप कौन कौन से डिवाइसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेटिंग्स ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा का सारा जो भी लेआउट है ये आपका चाइना बेटा रोम से ही देखने के लिए मिलेगा। सिस्टम लॉन्चर का मोड आपका ये सेटिंग्स का लेआउट चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसके बाद आपको सिंपली होम स्क्रीन में आना है। होम स्क्रीन में आएंगे तो आपको इसमें डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, होम स्क्रीन, -1 स्क्रीन, होम स्क्रीन सर्च बार, सर्च बार प्रोवाइडर, एनिमेशन स्पीड, एनिमेशन ड्यूरेशन, सिस्टम नेविगेशन, फिल सेल्स ऑफ अनइंस्टॉल एप्स, आइकन्स, डोंट शो टेक्स्ट, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। तो इस वाले सिस्टम लॉन्चर मोड में आपको होम स्क्रीन लेआउट 9:16 तक देखने के लिए मिल जाता है। 4:6 से ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात आपको देखने के लिए मिल जाती है। और इसके बाद आपको इसमें अगला फीचर है डोंट शो टेक्स्ट का। तो आप जब इस वाले फीचर को ऑफ करेंगे तो आपके सारे के सारे ऐप्स का नाम आ जाएगा, जैसे कि सिक्योरिटी, गेट ऐप, सेटिंग्स, MI वीडियो कैलेंडर। और इसके बाद डोंट शो टेक्स्ट को ऑन करेंगे तो आपके ये सारे ऐप्स के नाम गायब हो जाएंगे जिस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। अब आप डोंट शो टेक्स्ट को ऑन करने के बावजूद इनके अगर नाम देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस तरीके से इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपके यहाँ पे नाम अवेलेबल हो जाएंगे, सेटिंग्स, गेट ऐप्स, सिक्योरिटी, टूल्स, MI वीडियो कैलेंडर, वेदर, गैलरी, म्यूजिक, थीम्स, टेलीग्राम, आपके जो भी ऐप्स आपकी होम स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। तो और इसके बाद डोंट शो टेक्स्ट के बाद आपको ग्लोबल आइकन एनिमेशन पता है, अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स में आपको वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, और इसके नीचे आपको एनिमेशन स्टाइल। तो ये वाला जो सिस्टम लॉन्चर का मॉड्यूल है ये सिपोलो की तरफ से यहाँ पे बनाया गया है, तो इसका क्रेडिट भी मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसको सिपोलो की तरफ से बनाया गया है और ये एनिमेशन स्टाइल थैंक्स टू काशी। तो यहाँ पे काशी की तरफ से एनिमेशन स्टाइल ऐड किया गया है और ये वाला आपका किस तरीके से वर्क करता है इसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ सिस्टम्स ऐप्स को आपके रिसेंट्स में ओपन करना है। तो आपका ये जो अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स एनिमेशन शेल स्टैंडर्ड वाला आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जैसा ही चलेगा। आप जब इसमें क्यूबिक को सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से ये यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद एनिमेशन स्टाइल में iOS वाले को, iOS वाला यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स को पसंद आता है क्योंकि ये वाला आपको iPhone मोबाइल्स में भी एनिमेशन स्टाइल देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आपको ओल्ड स्कूल है, ओल्ड स्कूल वाला आपको इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ये आपका अरेंज आइटम्स रीसेंट्स हॉरिजॉन्टल जैसा है, बस आपके यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया है। और आप इसको वर्टिकली में भी सेलेक्ट कर सकते हैं एनिमेशन स्टाइल को, iOS क्यूबिक, आप इसको जिसमें भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टली में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला फीचर है यहाँ पे एनिमेशन स्पीड। तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि इस वाले फ़ीचर को आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं किसी भी Xiaomi के डिवाइस में। इस वाले फ़ीचर के लिए आपको रूट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। उस वाली वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप एनिमेशन स्पीड को किसी भी Xiaomi के डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो डिवाइसेस तब भी नहीं वर्क करता है तो आपको MIUI 13 का अपडेट के आने का वेट करना है, क्योंकि ये वाला फ़ीचर अभी भी कुछ डिवाइसेस में वर्क नहीं करता है लेकिन कुछ डिवाइसेस में वर्क कर जाता है, जैसे कि Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10s, Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, इन जैसे डिवाइसेस में ये विदाउट रूट यहाँ पे वर्क कर जाता है। और आपको एनिमेशन ड्यूरेशन में ये 1F आपको ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दिया गया है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
और नहीं भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। मैंने एक जिप फाइल का लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको मैजिस ओपन करना है। मैजिस के बाद आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स में जाना है। मॉड्यूल्स पे जाएंगे तो आपको सिंपली ये वाला सिस्टम लॉन्चर मॉडेड बाय सिपोलो यहाँ पे फ्लैश करना है। किस तरीके से करना है, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे जाना है। आपने वो वाली जिप फाइल जहाँ पे भी सेव कर रखी है आपको उस वाले फोल्डर में जाना है। उस वाले फोल्डर में जाने के बाद उसको सिलेक्ट करके सिंपली ओके पे टैप कर देना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। फिर ये वाली फाइल आपके मोबाइल में फ्लैशिंग होनी शुरू हो जाएगी और फ्लैश होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको नॉर्मल चाहिए या फिर आपको iOS चाहिए। वॉल्यूम प्लस से आप नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम माइनस से iOS, और आप ऐप वॉल्ट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें ऐप वॉल्ट सेलेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। आप इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करके बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली एक बार अपने फ़ोन को यहाँ पे रीबूट कर लेना है। फिर आपका सिस्टम लॉन्चर मोड आपके मोड में सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो सिस्टम लॉन्चर मोड से रिलेटेड। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे बड़े चैनल पर पहली बार आए तो हम सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।